नमस्कार दर्शकों, लोकसो टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, सरगर्मियां बिलासपुर में आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी होंगे और इसके लिए आप मतदान के लिए तैयार हो जाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। नामांकन रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा, फिर से बनेगी मोदी की सरकार। देवेंद्र यादव के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, कांग्रेस नेताओं के साथ भरा नामांकन पत्र। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, 150 सीट पर सिमट जाएगी भाजपा। महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को ठहराया दोषी। और टिकट से वंचित कांग्रेस के विष्णु ने छोड़ी पार्टी, सीएम के समक्ष किया भाजपा प्रवेश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये राजनीति है, सब कुछ हो सकता है। आइए आपके साथ खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार तोखन साहू के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां उन्होंने बिलासपुर लोकसभा से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का कार्यकर्ताओं से संकल्प लिया। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सभी 11 सीटों को जीतने का दावा किया है। शिटोके चौक स्थित जगन्नाथ मंगलम में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें भाजपा प्रत्याशी जीत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर जिस तरह राज्य सरकार ने काम किया है, इससे पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है और मतदाता भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं। बिलासपुर प्रत्याशी तोखन साहू भी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल रही कांग्रेस सरकार ने हर योजना में भ्रष्टाचार किया। इसी का नतीजा है कि आज कई अफसर और नेता जेल में हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। आज उनके कितना नेता मन जेल में है कि नहीं? आज उनके बेल लगातार खारिज हो जाते, बार बार खारिज होते है कि नहीं? तो ऐसे कांग्रेस का मल्ला हमारा सबक सिखाना है। इस समय एक भी सीट लेने देना नहीं है ना छत्तीसगढ़ में। 11 के 11 सीट ला जीता के हमके मोदी जिला तो अपना है कि नहीं? और हमारे अभी 4 महीना में मोदी जी के गारंटी ला पूरा करे में कई सब 7-8 बड़े बड़े काम ला करे हन। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बने के बाद भारत के गौरव, भारत के सम्मान विश्व में स्थापित हुए, भारत विश्व के मानचित्र में स्थापित हुए। ऐसे विश्व के मानचित्र में स्थापित करिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। और यदि काश्मीर में धारा 370 समाप्त करे है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी करे है देव घर चुनाव। 500 साल बाद और आजादी के 70-72 साल के बाद यदि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण अयोध्या में हो रहे हैं तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंच संबोधित करते हुए कहा कि अब 2-2 विष्णु प्रदेश में कमाल करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर संतुष्ट है और लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। वहीं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही। आप लोग क्या कहना चाहता हूँ कि भैया हो हमारे घर ककरो न्योता आके तो न्योता में जा सकबो के नहीं जा सकबो, फिर न्योता ला ठुकरावन नहीं ठुकरा थन का भाई न्योता ला जरा जोर से बताओ। अरे न्योता ला ठुकराना मतलब न्योता देने वाला के अपमान आए कि नहीं आए, अपमान हो ही कि नहीं हो ही। अरे कोई आपके दरवाजे में न्योता दे तो वो न्योता ला ठुकराओ, ये न्योता देने वाला के अपमान हो ही कि नहीं हो ही जोर से बताओ। कांग्रेस की नीतियों को क्षुब्ध होकर कई हमारी बहनों ने और खासकर जिनका नाम लगभग लोकसभा में फाइनल था, एक स्थानीय व्यक्ति की टिकट काट के एक जो बाहर से लाके
टिकट दिया गया उसको लेकर बिलासपुर की जनता में भी आक्रोश है। इस दौरान मंच में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे समेत भाजपा के नेता व पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। लोसर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन सिंह राठौर की रिपोर्ट। भाजपा ने नामांकन रैली के जरिए गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन किया। बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू शिव टॉकीज के पास से नामांकन रैली निकाली, जिसमें बिलासपुर लोकसभा में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों से भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में बिलासपुर, बिल्हा, बिलतरा, मुंगेली, तखतपुर के भाजपा विधायक समेत अन्य विधानसभा के पूर्व विधायक भी शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ निकाली नामांकन रैली में काफी भीड़ नजर आई। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर लोगों से उनके पक्ष में वोट के लिए अपील की। रैली टैगोर चौक से प्रारंभ होकर गांधी चौक, जूना बिलासपुर, कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार और तिलक नगर होते हुए नेहरू चौक में संपन्न हुई। चुनाव को लेकर रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। इधर कांग्रेस को बिखरती पार्टी करार देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 50 साल से अधिक समय सत्ता में रहने वाले अपना आकलन करें। गुरुवार को नामांकन रैली में शामिल हुए श्री साय बिलासपुर में प्रेस से बात कर रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता उत्साहित है, लगातार सभाएं कर रहे हैं। सभी जगह कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में बीजेपी प्रवेश कर रहे हैं। भारी अंतर से बिलासपुर समेत प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया। बिलासपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तोखन साहू का नामांकन दाखिल करने आए मुख्यमंत्री श्री साय कलेक्टोरेट परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज किस मुकाम पर हैं उनको खुद सोचना चाहिए। आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल इस देश में राज की और आज उनकी स्थिति कहाँ पर पहुँच गई है, इसको सोचना चाहिए कि क्यों इस स्थिति पर पहुंचे। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, आजादी के बाद देश में 60 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज इतनी खराब हो गई है कि उनके हजारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। मोदी की गारंटी में भाजपा काम कर रही है, प्रदेश में उनके पक्ष में अच्छा माहौल है, कांग्रेस को अपना आकलन करना चाहिए। बहुत अच्छा वातावरण है, जहां भी जा रहे हैं अच्छी सभा हो रही है और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200-400 से लेकर 1500-1500 तक कांग्रेसी भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया है, अभी 4 महीने में हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में किए हैं, ये सबका बहुत अच्छा प्रभाव मतदाताओं में है। और इस बार भारी मतों से बिलासपुर सीट भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट जीतेंगे। तोखन साहू के नामांकन रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, भूपेंद्र सवन्नी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में जिला रिटर्निंग अधिकारी अवनीश शरण को नामांकन पत्र सौंपा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। श्री रामलला दर्शन करने 16 अप्रैल को बिलासपुर से रवाना हुए 1008 श्रद्धालुओं ने अयोध्या में पहुंचकर भगवान राम के दर्शन किए। उद्योगपति समाजसेवी प्रवीण झा के प्रयास से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था के साथ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तमाम श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर भजन कीर्तन करते हुए रामलला के दर्शन किए और रात में भगवान के भजनों पर खूब जो है झूमे। बिलासपुर लोकसभा चुनाव की नामांकन रैली में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर माहौल तैयार किया। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से नामांकन रैली निकाली। सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए।
लाल बहादुर शास्त्री मैदान से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने सबका आशीर्वाद लेकर हुंकार भरी। यहां कोटा और मस्तूरी विधायक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बिलासपुर लोकसभा के सभी विधानसभा से पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में शहर पहुंचे और नामांकन रैली में शामिल हुए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी रैली में शामिल हुई। सभी ने हाथ दिखाकर लोगों का अभिवादन किया। बाजे गाजे के साथ निकली नामांकन रैली में काफी भीड़ नजर आई। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर लोगों से वोट के लिए अपील भी की। मैं आपसे एक निवेदन करे बारी हम माइक ला पकड़े हो मोर लाज रखियो मोर मैं अगर आप मन आशीर्वाद दे तो मोर लाज रखियो मोर बात सुनियो मैं माया दे हो हमार सब भाई बहन आगे है। मैं आपसे एक निवेदन करतो आप मन मोर साथ पैदल पैदल रिंग होगा नहीं रिंग भूलती है मन ले लेंगी सब मन ले लेंगी। लाल बहादुर शास्त्री मैदान से निकली नामांकन रैली गोल बाजार सदर बाजार होते हुए नेहरू चौक पहुंची। चुनाव को लेकर रैली में गजब का उत्साह देखा गया। मंच पर कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी मजबूती से एक साथ होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य लोकसो टीवी बिलासपुर। रैली से समय निकालकर कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी में भारी उथल पुथल के बीच बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे देवेंद्र जीत का लगातार दावा कर रहे हैं। बुधवार को नामांकन रैली निकालकर कांग्रेस ने अपना दम दिखाया। बिलासपुर संसदीय सीट से पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र यादव भीतर और बाहर दोनों चुनौतियों से निपटने खुद को तैयार कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से ज्यादा भरोसा उन्हें अपनी टीम से है। इसके अलावा जिला संगठनों और सभी 5 विधानसभा में दौरा सभाएं कर रहे हैं। प्रस्तावकों के माध्यम से पूर्व में 3 सेट जमा कर चुके देवेंद्र यादव ने फाइनली खुद से नामांकन दाखिल कर दिया। जितनी तेजी से वे रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में दाखिल हुए उतनी तेजी से वापस जाने लगे। तभी यहां मीडिया ने उन्हें रोककर सवाल किया। उन्होंने रैली में जल्दी लौटने की बात कहकर बस इतना कहा बड़े अंतर से उनकी जीत होगी। जनता इतिहास बनाएगी। 4 जून का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा और हम बहुत बड़ी मात्रा से जीत के आएंगे। इतना बोलकर वे लौट गए। दोनों प्रमुख दल और उनके प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी लोकसो टीवी बिलासपुर। एक से ज्यादा नामांकन पत्र जमा करने से संख्या 27 हो गई है जबकि एक दिन बाकी रह गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सर्वाधिक 20 फॉर्म जमा किए गए। इनमें दावेदारों की संख्या 12 रही। इनमें 9 उम्मीदवारों ने पहली बार और 3 उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद अतिरिक्त सेट जमा किया। वहीं इस दिन 10 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है जिनमें 7 निर्दलीय और 3 अन्य दल के उम्मीदवार शामिल है। बिलासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की फहरिस्त बढ़ने से मतदान के लिए 2 से ज्यादा ईवीएम मशीनें लगानी पड़ सकती है। फिलहाल शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम मौका है। इसके बाद नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 22 अप्रैल नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या का पता चलेगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार की शाम कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव वार्ड नंबर 46 गणेश नगर पहुंचे। पार्षद कार्यालय में आयोजित सभा में वे शामिल हुए। उन्होंने सभी से मिलजुल कर एक साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का आग्रह किया। इससे पहले प्रत्याशी देवेंद्र यादव का फूलमालाओं से पार्षद अब्दुल इब्राहिम और उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद श्री यादव पार्षद कार्यालय से रैली के साथ मतदाताओं से भेंट मुलाकात करने निकले। इस दौरान पार्षद अब्दुल इब्राहिम ने कहा हमें ऐसा सांसद चाहिए जो अपनी बात रख सके और जनता के हक की लड़ाई लड़ सके। पिछले 10 सालों में इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है, इस देश में गरीबी बढ़ी है और 35 साल की बात मैं बिलासपुर की कहूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं आप में से शायद ही होंगे 2-4-5 लोग
जिन्होंने कभी किसी लोकसभा सांसद से बात की हो। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी द्वारा एक एक कार्यकर्ताओं पे जोश भर दिया गया है और बिलासपुर के हित में कोई बात रखे जाके सांसद में अपनी बात रख सके, अपने हक को छीन के ला सके, तो बिलासपुर ने तय किया है, वार्ड नंबर 40 गणेश नगर की जनता ने तय किया है, उन्हें बोलने वाला, अपना हक छीनने वाला और आके वार्ड का शहर का विकास कराने वाला लोकप्रिय सांसद चाहिए, ना कि मूक बधिर सांसद में अपनी कोई बात को उठा ना सके, ऐसा सांसद इस बार नहीं चुनेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत गुरुवार को नामांकन रैली में शामिल होने शहर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर हमला किया और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने और भाजपा को मात्र 150 सीटों पर ही सिमट कर रह जाने का दावा किया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आंतरिक सर्वे में कांग्रेस की गठबंधन को भारी बढ़त मिली है, वहीं भाजपा 150 से 160 सीटों में सिमट रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रोटी को भी पलटना पड़ता है, एक तरफ रहती है तो जल जाती है। बिलासपुर लोकसभा से भाजपा के 35 साल से सांसद को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव कीजिए ताकि बिलासपुर की आवाज लोकसभा तक पहुंचे। बिलासपुर का क्या हुआ और बिलासपुर का बहुत कुछ हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किया है और उसके बावजूद भी बिलासपुर जो बहुत संघर्ष का शहर है, जो आंदोलन का शहर है, क्रांति का शहर है, जिसने लड़कर अपने हक लिए हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो कांग्रेस की सरकार ने यहां पर करी, सत्तामी समाज से जो आते थे गुरुधामी दास जी के नाम पर जो थी वो भी लड़कर लिया, रेलवे जोन का आंदोलन हो, इतनी बड़ी रेलवे जोन, इतनी प्रॉफिटेबल रेलवे जोन। झीरम घाटी की घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना शीर्ष नेतृत्व खोया है और जब झीरम घाटी की जांच हो रही थी तो भाजपा और एनआईए ने उसमें रोड़ा अटकाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा द्वारा मुस्लिम लीग कहने पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि युवाओं, किसानों, सामाजिक न्याय, महिलाओं और युवाओं के रोजगार की बात करना भाजपा को घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग नजर आता है। एक मुस्लिम शब्द नहीं है मैनिफेस्टो में, कहां मुस्लिम लीग नजर आती है? युवाओं के हक पे मुस्लिम लीग नजर आती है, किसानों के हक पे मुस्लिम लीग नजर आती है, सामाजिक न्याय की बात करो तो मुस्लिम लीग नजर आती है, महिलाओं की बात करो मुस्लिम लीग नजर आती है, युवाओं के रोजगार की बात करो मुस्लिम लीग नजर आती है। और ये वो प्रधानमंत्री कह रहा है जिसके सबसे बड़े पूर्वज ने आजादी के आंदोलन में, जब सारा देश आंदोलित था, जब देश भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को खदेड़ रहा था, जब करो या मरो, डू और डाई का नारा था, कौन सरकार चला रहा था मुस्लिम लीग के साथ? सबसे बड़े पूजनीय इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। बढ़ती महंगाई पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी चीजों में टैक्स का आक्रमण किया है। पेट्रोल डीजल के दाम अगर घट जाते हैं तो महंगाई खुद कम हो जाएगी और लोगों की आय बढ़ेगी। कच्चा तेल जो है वो इतने पर है कि 70-60 के बीच में पेट्रोल बिक रहा है 90 के पास, डीजल बिक रहा है 90 के पास। क्यों बिक रहा है? कच्चा तेल का दाम घट गया, 13 बार एक्साइज बढ़ाई, वो वाली एक्साइज बढ़ाई जो राज्यों के साथ साझा भी नहीं होती है और आपसे वसूली की जा रही है। गैस का दाम अगर एक्चुअल गैस पे हो तो कम से कम ये तो 600-700 में सिलेंडर मिल जाए, वो क्यों 1100 लेकर गए? अगर आप इन्हीं चीजों के दाम कर दीजिए, अगर आप डीजल का दाम आज कम कर दीजिए तो सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें सस्ती हो जाएगी। आतंकवाद पर सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्र वार्ता के दौरान लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी, शहर अध्यक्ष विजय पांडे मौजूद रहे। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के भदौरा गांव में शादी में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं 12 सदस्यों और मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें 4 लोगों का इलाज अभी जारी है। उन्हें उल्टी दस्त के बाद सिम्स में भर्ती कराया गया है। ग्राम भदौरा में कुर्रे परिवार में लड़की की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए सरगवा के रिश्तेदार गोपाल टंडन पत्नी और बच्चों के साथ भदौरा गए थे। भदौरा के पूर्व उप सरपंच राजेंद्र राठौर ने बताया कि बारात लौटने के बाद रिश्तेदारों और मेहमानों ने भोजन किया,
दूसरे दिन 15 अप्रैल की सुबह भी भोजन का इंतजाम था, लेकिन रिश्तेदारों और मेहमानों की खाना खाने के पहले ही तबीयत बिगड़ गई। करीब दर्जन भर लोगों को मस्तूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस दौरान धनीराम टंडन की 6 साल की बेटी सिद्धि की हालत गंभीर होने पर उसे बिलासपुर रेफर किया गया, जहां से उसे प्राइवेट अस्पताल भेज दिया गया। मंगलवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग से मौत होने की बात सामने आई है। इलाज करवाने के उपरांत थोड़ी अच्छी लगी तो इन लोग को घर वापसी भेज दिया गया। फिर घर जाने के बाद पूरा उन लोग का तबीयत खराब हो गई, तो उनके दिशा निर्देश में फिर मस्तूरी पुलिस इसके हॉस्पिटल से फिर इनको रिफर करके यहाँ ले आया गया। उसके बाद यहाँ स्थिति थोड़ा खराब होते देख बच्ची का अमूमन ये लगता है कि मेरी बच्ची का इलाज अच्छे से हो जाए करके इन लोग प्रदीप सिहारे जी के यहाँ लेके गए और वहाँ एक डेढ़ घंटे इलाज चली, उसके बाद बच्ची का डेथ हो गया। मस्तूरी लेकर गए, मस्तूरी में इलाज उलाज करवा के फिर लेकर आ गए। रात में फिर गंभीर हो गया तो सवेरे कल 8 बजे लेके सिम्स आए। सिम्स में रखे थे, उसके बाद 2:30-3 बजे फिर प्रदीप सिहारे यहाँ लेकर गए। वहाँ 1.5-2 घंटे जिया, उसके बाद खत्म हो गया। इस घटना में बीमार मस्तूरी के सरगावा निवासी रमशीला गोपाल टंडन, उनकी बेटी शीनू टंडन, बेटा शिरीष कुमार टंडन सहित बाकी लोगों को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन सिंह राठौर की रिपोर्ट। सब्जी बाजार, बैंक या फिर अन्य जगहों से मोटरसाइकिल चोरी कर उसे दूसरे जिले में बेचने का एक मामला फिर सामने आया है। कुछ दिनों पहले ही हेरिमाइंस के बाजार में मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। प्रार्थी ने इसकी शिकायत चकरभाटा पुलिस में की थी। पतासाजी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर के खमतराई थाने में मोटरसाइकिल के साथ एक चोर पकड़ा गया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया। चकरभाटा पुलिस ने आरोपी आशीष वर्मा के जेल से बाहर आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से एक क्षेत्र में हुए अन्य चोरियों के मामले में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। सिविलाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती से दोस्ती कर युवक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसका वीडियो बनाकर युवक ने युवती से 2 लाख रुपए भी वसूल किए। युवती ने पूरे मामले की शिकायत सिविलाइन थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। प्रशिक्षु DSP और सिविलाइन TI ठाकुर गौरव सिंह ने बताया कि 28 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म की शिकायत की है। युवती ने बताया कि वो जॉब करने शहर में आई थी। यहाँ पर वो अपनी सहेली के घर पर रहती थी, जहां मोहरा निवासी अल्ताफ खान का आना जाना था। इसके कारण दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए युवक ने उससे शादी करने का झांसा देकर दैहिक शोषण किया। पुलिस ने शिकायत के बाद धारा 294, 323, 376, 377 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 साल पहले मैं जॉब के सिलसिले में बिलासपुर आई थी। 2 साल के अंतराल में मुझे धीरे से जॉब भी मिल गई और मैं जॉब करते रही। उसी दौरान मुझे एक युवक अल्ताफ खान से मेरी पहचान हुई, उससे पहचान बढ़ते गई, दोस्ती यारी हुई। उसके बाद उसने मुझे अपने प्यार के झांसे दे करके मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसने मेरे साथ 2 लाख रुपए पैसे ले लिए, न्यूड वीडियो बना करके ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए नहीं दोगी तो मैं ये वीडियो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वायरल कर दूंगा करके। मुझे बस न्याय चाहिए, उसे जेल से फिर अंदर ही रखे, वो वापस ना आने दे। आइए दर्शकों हेडलाइंस पर फिर से नजर डालते हैं। नामांकन रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री, साय ने कहा फिर से बनेगी मोदी की सरकार। देवेंद्र यादव के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, कांग्रेस नेताओं के साथ भरा नामांकन पत्र। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा 150 सीट पर सिमट जाएगी भाजपा, महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को ठहराया दोषी। और टिकट से वंचित कांग्रेस के विष्णु ने छोड़ी पार्टी, सीएम के समक्ष किया भाजपा प्रवेश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के नामांकन सभा में गुरुवार को कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के दावेदार रहे विष्णु यादव समेत कई कांग्रेसियों ने भाजपा प्रवेश किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी का स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा अब दो विष्णु प्रदेश में कमाल करेंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट से तीन दिन पहले कांग्रेस से नामांकन फॉर्म खरीदने वाले प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य विष्णु यादव भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा प्रत्याशी तोखनराम साहू की नामांकन रैली के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे। जगन्नाथ मंगलम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त उनकी मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। बता दें कि विष्णु यादव ने नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बार बार उनके साथ अन्याय हो रहा है, एक बार उनका नाम घोषित हो जाने के बाद टिकट में बदलाव कर दिया जाता है। वे पूर्व में AICC के डेलीगेट रह चुके हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेता जो लोकसभा प्रत्याशी के दावेदार रहे कांग्रेस से, ऐसे विष्णु यादव जी और साथ में हमारा और बहनी मन भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से हमर मोदी जी के काम से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करी है। मन के लिए मैं चाहूँ कि आप सब स्वागत करा। वर्तमान में जिस तरीके से मैं आहत हुआ हूँ, जिस तरह से मैं दुखी हुआ हूँ, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ छल और दुर्व्यवहार किया, मेरा जो अपमान किया है और बिलासपुर की जनता के साथ जो अपमान किया है, बिलासपुर के यादव समाज के जो बिलासपुर यादव समाज के साथ जो अपमान किया उनका, और जो मिली जिला के जो यादव समाज है, मिली जिला की जो जनता है, उनके साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनका जो अपमान किया है, उसको सब वो सब मेरे से सहन नहीं हुआ। इसलिए मैं 2000 यादवों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ हूँ। विष्णु यादव द्वारा बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से नामांकन फॉर्म खरीदने के बाद संगठन के कान खड़े हो गए थे। कांग्रेस की संवाद एवं संपर्क समिति के अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने बिलासपुर पहुंचकर संगठन के नेताओं के साथ कांग्रेस भवन में बैठक की थी। इसके बाद रात में विष्णु यादव के घर पहुंचकर उन्हें मनाने का प्रयास भी किया। हालांकि विष्णु यादव ने उनकी बात नहीं मानी और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगी चेकिंग प्वाइंट में ड्यूटी कर रहे आरक्षक के द्वारा रेत परिवहन के दौरान ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट कर उगाही का मामला सामने आया है। आरक्षक द्वारा की गई मारपीट में प्रार्थी के हाथ में चोट आई है, जिसकी शिकायत लेकर प्रार्थी SP कार्यालय पहुंचा और आरक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामला सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुली चेकिंग प्वाइंट का है। दरअसल 13 अप्रैल को ग्राम ऊनी निवासी प्रार्थी पुष्प रंजन साहू के बेटे विवेक साहू द्वारा निजी कार्य के लिए रेत का परिवहन किया जा रहा था, तभी चेकिंग प्वाइंट पर ड्यूटी कर रहे आरक्षक राजेंद्र साहू ने ट्रैक्टर रोका और रुपयों की मांग की। विवेक साहू के द्वारा गाड़ी छोड़ देने का निवेदन किया जाता रहा, मगर गाड़ी छोड़ना तो दूर, आरक्षक राजेंद्र साहू ने उसके साथ मारपीट की और तत्काल ग्राहक की तलाश कर 2200 रुपए में रेत खाली कर दिया। रेत खाली कराने के बाद मिले रुपयों से आरक्षक ने 1200 रुपए ट्रैक्टर वाले को दिया और 1000 रुपए अपने पास रख लिया। पूरे मामले की शिकायत मंगलवार को SP कार्यालय पहुंचकर की गई। मैं रेती लेके आ रहा था अपने घर के कुछ काम से, तो कुली बेरियल के पास एक पुलिस वाले ने मेरे को रुकवाया था और मेरे से पैसा वसूली कर रहा था। वो तो वो 1000 रुपये मांग किया और मैं एक आध घंटे तक रुका था, 1-1.5 घंटे तक। तो उसके बाद मैं उससे रिक्वेस्ट किया कि पैसा मेरे पास नहीं है, ला के मेरे को देने दे उनको, तो वो नहीं माने और मेरे साथ मारपीट किए। कुछ दिनों पहले घनश्याम साहू अपनी मोटरसाइकिल में रहंगी के चॉइस सेंटर में आधार लिंक कराने पहुंचा था। काम पूरा हो जाने के बाद जब वो दुकान से बाहर आया तो देखा उसकी मोटरसाइकिल गायब है। प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस पतासाजी में जुटी थी, तभी वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर युवक को किसी तरह धर दबोचा और पूछताछ की तो मोटरसाइकिल चोरी का निकला। वीरेंद्र जोगी रहेंगी जोगीपुर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ चोरी की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। बुधवार की रात शहर के बीचों बीच मुख्य बाजार में अचानक कई दुकानों के शटर और सामान सहित कई हिस्सों में बिजली का करंट दौड़ रहा था।
सदर बाजार करोना चौक स्थित सुनैन चश्मा दुकान और आसपास के सभी दुकानों में बिजली का करंट प्रवाहित होने लगा। इसकी जानकारी तब हुई जब दुकान का कर्मचारी रात 10 बजे दुकान बंद करने के लिए शटर नीचे कर रहा था, तभी उसे करंट का झटका लगा। घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवी संगठन के चंचल सलूजा ने तत्काल सीएससीबी नेहरू नगर के अधिकारी को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर बिजली कर्मचारियों ने फॉल्ट सुधारा, तब जाकर विद्युत प्रवाहित तरंग बंद कर दिया गया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। अधिकारियों से सूचना मिला कि करोना चौक में 4-5 दुकानों में करंट आ रहा है करके, तो हमारे आते तक अधिकारियों द्वारा लाइट बंद करा दिया गया था। फिर हमने लाइट चालू करा के देखा तो चेक करने पे पाया गया कि यहाँ से सुनैन चश्मा घर का सर्विस केबल जो ट्रांसफार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर लगा था, बारी बारी से एक एक फेस काटने में पता चला कि उनका जो नीला वाला फेस था उसमें से करंट फैल रहा था। तो उस नीला वाले फेस को काटने के बाद पुनः लाइन पूरी तरह से चालू करने के बाद करंट बंद हो गया है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोजपुरी टोल प्लाजा में टोल टैक्स से बचने कई ऐसे वाहन चालक हैं जो बिल्हा सड़क से दगोरी पहुँच मार्ग से नेशनल हाईवे में जुड़ जाते हैं। हैवी वाहनों के कारण बिल्हा और दगोरी पहुँच मार्ग की सड़क जर्जर हो गई है। भारी भरकम वाहनों के चलते दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। प्रशासन ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर रहा है। समय रहते वाहनों पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आएंगे, जिसका खामियाजा स्थानीय नागरिकों के अलावा सड़क की दुर्दशा के रूप में सामने आएगा। न्यायधानी के कोनी थाना क्षेत्र से नाबालिग को बहला फुसला कर लखनऊ में बेचने और वहां उससे देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। प्रार्थिया का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोनी थाना प्रभारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से शिकायत करते हुए प्रार्थिया ने बताया कि उसकी बेटी को 2 महिलाओं ने लखनऊ में बेच दिया है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी बेटी को वापस नहीं लाया गया है। लखनऊ आने जाने के लिए उससे रुपयों की मांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। रेखा गोस्वामी ले जाके मतलब डॉक्टरी मैं एडमिट थी, उन लोग का आना जाना था मेरे घर में, अब मैं नहीं रहती थी तो मेरे बच्ची को बहला फुसला के बाहर लखनऊ ले जाके मतलब कंचन दलाल द्वारा बेच दिया गया है। बेचने के बाद ना फिर मैं सर लोगों को बोली कि उसके माँ को पकड़ो, पकड़ के लाओ, फिर तब जानकारी मिलेगा सर। तो उसकी माँ को पकड़े ना, पूरा जानकारी लिए और उसके बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाना मेरे को कई बार जा चुकी लेकिन कुछ मेरे को मतलब कुछ नहीं हो रहा है। घूम घुमा के रात दिन बुला रहे हैं, 4-5 घंटा बैठा रहे हैं। इतना होने के बावजूद, बयान देने के बावजूद पैसा वो पुलिस वाला उससे ले लिया है, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी कभी शोर में बहुत ही गंभीर बातें दब कर रह जाती है, जैसा कि ये अंतिम खबर हमने आपको इस बुलेटिन की दिखाई है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से पेश आएगी। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।